जय भीम, नमो बुद्धाय। आज भारत में लॉकडाउन का 10वां दिन है और इन 10 दिनों में कोरोना के जो मरीज़ है ये कम होने के बजाय और बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोगों को इस समस्या को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ये तो पूरे देश भर में लोग अपने अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं। मैं एक अलग विषय की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। हमने देखा कि जावड़ेकर ने ये अनाउंस किया कि रामायण ये जो सीरियल है ये चलाई जाए, वो कोई चैनल पे चलती है नहीं चलती है हमको उसे लेना देना नहीं है, लेकिन ये सीरियल अब लॉर्ड बुद्धा जैसे चैनल्स पे भी चलाई जा रही है। जब पूरी इंक्वायरी की गई, जब पूरी जानकारी लेने के बाद पता चला कि लॉर्ड बुद्धा चैनल ऑलरेडी बिक चुका है, ये बेच दिया गया है और उनकी कोई तकनीकी और कोई प्रोसीजर बाकी होने की वजह से वो लॉर्ड बुद्धा नाम और लॉर्ड बुद्धा का जो लोगो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोरोना जब इंडिया में ये फैलना शुरू हुआ तो रेलवेज़ के SC ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने 70 करोड़ रुपीस दिए हैं कोरोना से फाइट करने के लिए। तो अगर SC ST एम्प्लॉयज़ कोरोना से लड़ने के लिए 70 करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो क्या SC ST एम्प्लॉयज़ मिलके अपना खुद का एक चैनल नहीं खड़ा कर सकते, कोई न्यूज़ चैनल नहीं खड़ा कर सकते? क्यों हम लोगों को हमारे ही चैनल्स पर राम जैसे मनगढ़ंत और एक फेक पर्सनैलिटी को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, एक कहानी को दिखाने की ज़रूरत पड़ रही है? हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं, जहाँ पर हमारे साथ बीत रहे घटनाओं की जानकारी वहाँ पर दी जाए, ये हमारे पास नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाह रहा हूँ कि इस साल की जो जयंती है बाबा साहब अम्बेडकर जी की 129th बर्थ एनिवर्सरी जो आ रही है, शायद वो भी इसी लॉकडाउन के पीरियड में चली जाएगी। और मैं हमेशा अपने स्पीचेस में यही कहता हूँ कि हमारा समाज ये सक्षम है, लेकिन उसके पास विजन नहीं है, मिशन नहीं है। लेकिन ये विजन, ये मिशन बाबा साहब के ऑब्जेक्टिव्स पर अगर हम चलते हैं तो बाबा साहब के विजन पे हम लोग काम कर सकते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ मंदिरें बंद है, मस्जिदें बंद पड़ रही है, सभी प्रार्थना स्थल बंद पड़ रहे हैं, और सही में आज हॉस्पिटल्स की कमी दिख रही है, बेड्स की कमी दिख रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल में लाने के लिए हमारी, मैं हमेशा से, आज भी आप लोग यूट्यूब पे जाके मेरे 2014 के स्पीचेस सुनो, वहाँ पर भी मैंने कहा कि हम लोगों को हमारे खुद के हॉस्पिटल्स, खुद की स्कूल्स, खुद की कॉलेजेस ये तैयार करनी है, और मैं इस दिशा में कदम भी बढ़ा रहा हूँ। मैं लाइव होके मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ, परभनी के डॉक्टर सालवे जी से हमारी ये बात हुई है, उन्होंने अपनी रेडीमेड बिल्डिंग हम लोगों को देने के लिए एग्री वो हुआ है। वो उन्होंने कहा कि हाँ, आप नर्सिंग कॉलेज यहाँ पर बनाएं और यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करें, तो हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं, यही मैं कहने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि बाबा साहब के नाम से पटाखे फोड़ने के बजाय, नीले कलर उड़ाने के बजाय, बाबा साहब के विजन पे हम लोगों को काम करना है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हम लोगों को करना है, यही कहने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ। और सेकंड बात यह है कि फिर से मोदी जी ने अपने भक्तों की कहीं कमी ना आए, इसलिए और एक टेस्ट उन्होंने ली है दिया जलाने की। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग 9 तारीख को कोई दिया व्यार नहीं जलाएंगे, हम लोग जलाएंगे दिया, और वो भी 14 अप्रैल को, और सभी घरों में ये दिए जलेंगे। यही मैं अपील आप लोगों से करना चाहता हूँ, यही कहने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने आया था। और पूरे भारत भर के और पूरे दुनिया भर के अम्बेडकराइट्स, बुद्धिस्ट, रविदासिया कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और इस कोरोना के साथ जो युद्ध हमारा चल रहा है उसमें हम लोग जीत हासिल करें, और ये सारी परिस्थितियों से जल्दी सभी देश के, सभी देशों के लोग बाहर आए, यही कामना करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।